हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कोल माइंस रेगुलेशन 2017, रेगुलेशन नंबर 1 और 2 टोटल कंप्लीट, वेरी मोस्ट एमसीक्यू है माइनिंग सरदार ओवरमैन के लिए। एनसीएल, एमसीएल, डब्ल्यूसीएल, सीसीएल, एमसीएल, जितने भी मतलब माइंस है कोल इंडिया की सब्सिडरीज, उसके लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 21 तारीख को पास हुआ। इसका आंसर है 27 नवंबर 2017। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कोल माइंस रेगुलेशन कहाँ कहाँ लागू होता है। इसका आंसर है ऑल इंडिया माइंस, मतलब पूरे भारत की माइंस पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोल माइंस रेगुलेशन किसके द्वारा बनाया जाता है। इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के आने से पहले कौन सा रेगुलेशन चल रहा था। इसका आंसर है कोल माइंस रेगुलेशन 1957, 24 अक्टूबर 1957। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोल माइंस रेगुलेशन किस सेक्शन के अधीन बनता है। इसका आंसर है माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 57 के अधिक बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, माइंस की ऐसी वर्किंग जिसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, अबेंडन वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, AMM का पूरा नाम क्या है, अबेंडन माइन मेथड। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेफ्टी लैम्प या सेफ्टी टॉर्च का विवरण कौन करता है। चीफ इंस्पेक्टर DGMS के द्वारा अप्रूव होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओवरमैन और सरदार के ठीक ऊपर के अधिकारी को क्या कहते हैं, असिस्टेंट मैनेजर। ओवरमैन और सरदार के ठीक ऊपर के अधिकारी को असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं, और हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, असिस्टेंट मैनेजर को कौन कौन लिखित रूप से आदेश दे सकता है। इसका आंसर है ओनर, एजेंट और मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैनेजर के ठीक नीचे के अधिकारी को क्या कहते हैं। इसका आंसर है असिस्टेंट मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंपिटेंट पर्सन की एज कितनी होती है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, इसको इसका आंसर 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 है, एडल्ट की एज कितनी होती है, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 में टोटल कितने रेगुलेशन हैं। इसका आंसर है 260। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 माइंस एक्ट 1952 के किस सेक्शन से बनाया गया है। इसका आंसर 57। क्वेश्चन नंबर 16 है, CMM का पूरा नाम क्या है। इसका आंसर है कोल माइन मीथेन। क्वेश्चन नंबर 18 है, असिस्टेंट मैनेजर किसके द्वारा माइंस में अपॉइंट होता है। इसका आंसर है माइंस मैनेजर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, असिस्टेंट मैनेजर क्या क्या काम करता है, मतलब उसका क्या क्या काम होता है। इसका आंसर है मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 19 बनता है आपका, एक्जिलरी फैन का उपयोग होता है फेस में। इसका आंसर है फेस में हवा को इंक्रीज करने के लिए। बैट्समैन डैश पर अपॉइंट होता है, सॉफ्ट और इंक्लाइन के टॉप पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, सॉफ्ट के टॉप पर सिग्नलिंग देने का काम किसके द्वारा किया जाता है। इसका आंसर है बैट्समैन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बूस्टर फैन माइंस में वर्क करता है। इसका आंसर डिस्ट्रिक्ट एयर को बढ़ाने का काम करता है। कोल का स्टेज होता है, इसका आंसर है फीट, लिग्नाइट, बिंटूबिनस और एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंपिटेंट पर्सन किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसका आंसर है माइंस मैनेजर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, डीप होल ड्रिलिंग या डीप होल ब्लास्टिंग कहेंगे जब होल की गहराई हो 3 मीटर से अधिक होल को डीप होल ड्रिलिंग या डीप होल ब्लास्टिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM या कलेक्टर किसके द्वारा अपॉइंट होता है। इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक्सप्लोसिव एक्ट के अनुसार बनाया जाता है। इसका आंसर 1884 के अधीन। क्वेश्चन नंबर 28 है, फेस का मतलब होता है। इसका आंसर गैलरी, रोडवे और ड्रिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, फाइनेंशियल ईयर का समय होता है। इसका आंसर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। क्वेश्चन नंबर 30 है, फ्लेम प्रूफ इंक्लूडर्स किसके द्वारा अधीन बनाया जाता है। इसका आंसर है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी 2010 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 31 है, जनरल बॉडी ऑफ एयर में जब गैस की मात्रा 0.1% से कम होती है तब कहलाता है फर्स्ट डिग्री गैसीमांस। क्वेश्चन नंबर 32 है, फर्स्ट डिग्री गैसीमांस में पर टन कुल प्रोडक्शन के हिसाब से मीथेन गैस की मात्रा होती है 1 क्यूबिक मीटर से अधिक। क्वेश्चन नंबर 33 है, सेकेंड डिग्री गैसीमांस में कहा जाता है जब जनरल बॉडी ऑफ एयर की मात्रा मीथेन गैस की मात्रा से अधिक होती है। इसका आंसर है 0.1% से अधिक। क्वेश्चन नंबर 34, थर्ड डिग्री गैसीमांस कहा जाता है जब कुल प्रोडक्शन के हिसाब से मीथेन गैस की मात्रा होती है 10 क्यूबिक मीटर से अधिक। क्वेश्चन नंबर 35 है, माइंस में पिलर को निकाल दिया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, वोप। क्वेश्चन नंबर 36 है, ओपन कास्ट माइंस में जहां मशीनरी चलती है उसको क्या कहा जाता है, हॉल रोड। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनसेट कहलाता है सॉफ्ट और बॉटम के बीच की दूरी।
क्वेश्चन नंबर 38 है, मैनेजर किस रेगुलेशन के अधीन अपॉइंट होता है? रेगुलेशन नंबर 27 के अधीन। मिसफायर कहा जाता है जब होल में एक या एक से अधिक होल ब्लास्ट ना हो। ओवरमैन के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मैनेजर और ओवरमैन का। परमिटेड, क्वेश्चन नंबर 41 है, परमिटेड एक्सप्लोसिव किसके द्वारा परमिट किया जाता है? DGMS के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वार्टर का मंथ होता है? क्वार्टर का मंथ 3 मंथ होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, शॉर्ट फायर किस रेगुलेशन के अधीन अपॉइंट किया जाता है? इसका आंसर है 190। मैं चाहता तो क्वेश्चन को बढ़ा सकता था, धीमे धीमे बोल के वीडियो को लंबा कर सकता था, लेकिन ऐसा करने से टाइम वेस्ट होता है। तो प्लीज़ अगर वीडियो यहाँ तक देखे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।